हेलो गाइस, आई एम एके गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एके लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, क्या हिंदी मीडियम से एलएलबी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार स्टूडेंट के द्वारा, वो यही पूछा गया है कि क्या सर हम हिंदी मीडियम से एलएलबी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होता है, स्टडी बैकग्राउंड, वो हिंदी होता है। काफ़ी जो स्टूडेंट हैं हिंदी बैकग्राउंड से भी आते हैं, जिन्होंने 12वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी हो या ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से करा हो, और अब वो अचानक से लो करने की सोच रहे हैं। तो लो में उनके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि अब जब हम लो पे स्विच करेंगे तो क्या हिंदी मीडियम से लो पॉसिबल है, या हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस होंगी। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है और क्या आप हिंदी मीडियम से एलएलबी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्या हिंदी मीडियम से एलएलबी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, डेफिनेटली आप हिंदी मीडियम से एलएलबी कर सकते हैं। आप कहीं पर भी एडमिशन लिए किसी भी कॉलेज में, ऑलमोस्ट हर कॉलेज आपको ये ऑप्शन देगा कि आप हिंदी में चाहे हिंदी में पेपर दीजिए, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में पेपर दीजिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलता है। तो आप जिसमें चाहें अपनी एलएलबी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में एलएलबी करिए। आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी निकलेंगे, आपके पूरे एग्ज़ाम निकलेंगे और आप पास होगे, आप एडवोकेट भी बनोगे। लेकिन इसी के साथ मैं इसकी ग्राउंड रियलिटी भी बताऊंगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है और किस लेवल तक उनको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो हिंदी से एलएलबी करने का कोई इशू नहीं है, आप हिंदी से एलएलबी कर लिए। और काफ़ी जो हिंदी स्टेट है वहाँ पर प्रैक्टिस भी हिंदी में होती है, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ पर हिंदी चलती है प्रैक्टिस के टाइम पे भी। तो आपको यहाँ प्रैक्टिस करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जितने भी बड़े कॉलेज हैं, अब काफ़ी बच्चों का एक हर बच्चे का लगभग आते हैं बड़ी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने का वो होता है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे ड्यू, एनएलयू जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ आपको ऑप्शन तो मिलता है कि आप हिंदी मीडियम से एलएलबी कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपको क्या है कि यहाँ पे माहौल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। जो वहाँ का क्राउड होगा वो 99% जो है ज़्यादातर इंग्लिश प्रेफर करेगा, तो आपको जो अपने मीडियम के जो है ना कंपनी नहीं मिल पाएगी। और जब इतने सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ने वाले होंगे तो वहाँ के जो ज़्यादातर प्रोफेसर हैं वो भी लेक्चर जो है इंग्लिश में देते हैं। कभी कभार यूजली दो चार वर्ड उन्होंने हिंदी में बोल दिए तो बोल दिए, वरना वो जनरली जो यूज़ है इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। ड्यू, एनएलयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमएटी यूनिवर्सिटी जैसों में भी इंग्लिश में लेक्चर होते हैं। लेकिन वहीं जो हिंदी स्टेट हैं उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं लोकल, वो ज़्यादातर हिंदी में प्रेफर करते हैं। यूपी के जितने भी कॉलेज हैं वो ज़्यादातर आप हिंदी में आप देख सकते हैं, वहाँ पर हिंदी में पढ़ाया, तो वहाँ आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा हिंदी बैकग्राउंड का, अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं। तो ये तो रही कॉलेज की रियलिटी। तो क्या है कि जो बड़े कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश प्रेफर करते हैं। ऑप्शन आपके पास हिंदी में होते हैं, लेकिन आप को वो है कि एक माहौल नहीं मिल पाता, और जब तक माहौल नहीं मिलता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होती है। आप कर लेंगे नो डाउट, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वहीं उसके साथ बात आती है, आप जब आपने एलएलबी कर ली, वो तो आप कर लेंगे, एडवोकेट बन भी गए, तो क्या प्रैक्टिस में ही प्रॉब्लम फेस होती है हिंदी और इंग्लिश के बीच में? तो जी हाँ, प्रॉब्लम फेस होती है। क्योंकि जो हमारा लो है, जो लो की लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है। जब भी पार्लियामेंट कोई लो बनाती है तो उसका जो ड्राफ्ट होता है वो इंग्लिश में ही होता है, और लो की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। लेकिन जो हिंदी स्टेट है वहाँ पे क्या है कि आप हिंदी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सब जो है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज होती है, ड्राफ्टिंग भी आप हिंदी में कर पाते हैं। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कोई परेशानी नहीं आएगी हिंदी में प्रैक्टिस करते हुए, आप ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, नो डाउट। तो लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोचेंगे, क्योंकि हर कोई अब खाली डिस्ट्रिक्ट तक तो रहना नहीं चाहता, हर किसी का सपना है कि आगे चल के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें, सुप्रीम कोर्ट में भी करें, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्योर इंग्लिश चलती है और हाई कोर्ट में भी इंग्लिश ही चलती है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसमें देखो, एक लाइन में आंसर देना तो आसान नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में एलएलबी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हिंदी से एलएलबी करने के बाद भी आपको जो प्रॉब्लम फेस होगी उसमें दिक्कत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश में करिए या हिंदी में करिए, पहले तो आप जिसमें सूटेबल हैं उसमें करिए। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में आपको पढ़ना और समझना ही नहीं आता तो आप इंग्लिश में कर ही नहीं पाएंगे, आप हिंदी में एलएलबी स्टार्ट करिए। इंग्लिश में करते हैं तो अच्छी बात है, आपको चीज़ें और आसान हो जाएंगी। लेकिन आप क्या है, अगर हिंदी में भी एलएलबी कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश की स्टडी करेंगे, पहले आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए और अपने
लॉ के सब्जेक्ट की ही बुक्स पढ़ें, क्योंकि क्या होता है हर सब्जेक्ट की ना वोकेबलरी अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन आपको लॉ में कंफर्टेबल होना है तो पहले धीरे धीरे करके आप अपनी लॉ की बुक्स पढ़ना शुरू करिए। पहले आप शुरू में एक दो सेमेस्टर हिंदी में दे लिए, पर बीच में जैसे आपको टाइम मिलता है धीरे धीरे आप इंग्लिश को समझना स्टार्ट करिए। और धीरे धीरे अगर आपने LLB हिंदी में कर भी ली तो लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पर भी आप इंग्लिश को सीखना शुरू करिए, क्योंकि एक दिन में तो चीज़ें कुछ नहीं होती लेकिन एक दिन चीज़ें ज़रूर होती हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश भी आराम से सीख जाएंगे और उसमें कोई इशू नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात होगी जब आपकी दोनों लैंग्वेज पर कमांड होगी तो आपको तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो मेरा सजेशन यही है कि पहले तो आंसर ये था कि आप हिंदी में कर सकते हैं LLB, तो वो निराश ना हो जितने ही बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। लेकिन ये है उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप हिंदी मीडियम से LLB करिए, हिंदी मीडियम से LLB हो जाती है। लेकिन मेरी एक सजेशन यही है कि आप कॉलेज के दौरान और अपनी प्रैक्टिस के दौरान रोज़ अपनी धीरे धीरे इंग्लिश बढ़ाइए, वोकैबुलरी सुधारिए और धीरे धीरे जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे सीख जाएंगे वैसे सीख जाएंगे। आप ग्रामर रूल भी पढ़िए थोड़े थोड़े, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे वो डेफिनेटली आपके जुबान पे ऐसे हो जाएगी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आपको मुझसे इंग्लिश निकलने लगेगी। तो ये प्रैक्टिस का खेल है, तो धीरे धीरे करिए क्योंकि आपको आगे भी बढ़ना है, आपको हाई कोर्ट भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। तो मेन रीज़न ये है कि जो हिंदी बैकग्राउंड है लॉ में वो इसलिए ही पीछे हो जाता है थोड़ा सा कि लॉ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और कोर्ट में जो प्रेफर होती हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो इंग्लिश होती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एरिया के कोर्ट हैं वहाँ तो हिंदी चलती है लेकिन बाकी जगह नहीं चलती। अब ये जो हिंदी स्टेट है वहाँ तो ईजिली है कि आप हिंदी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जैसे पंजाब हो गया वहाँ की पंजाबी भाषा है, या साउथ के कुछ स्टेट्स हो गए वहाँ पर हिंदी भी नहीं चल पाती। लेकिन क्या है जितने भी हायर कोर्ट हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो किसी भी स्टेट के हो वहाँ पे इंग्लिश प्रेफर की जाती है। तो आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप हिंदी मीडियम में से LLB कर सकते हैं और आपको क्या प्रॉब्लम फेस होगी। सजेशन मैंने आपको बता दिया है कि आप आज से ही अपनी इंग्लिश सुधारना शुरू कर लीजिए, भले आप हिंदी मीडियम से कर रहे हो, नो डाउट धीरे धीरे चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी इंग्लिश समझ पाएंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपने हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने जो अपनी BA करी थी वो हिंदी बैकग्राउंड से करी थी, हिंदी बैकग्राउंड तक मेरी 12th भी हिंदी में हुई, ग्रेजुएशन भी हिंदी। लेकिन जब मैंने इंग्लिश में स्विच करा इंग्लिश में, क्योंकि जो मेरी लॉ थी वो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और वहाँ पे कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे स्विच करा और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही इंग्लिश में पेपर दिए, और जो कि धीरे धीरे हो गया पता भी नहीं चला। तो इसीलिए जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप डेफिनेटली कहते हैं अपनी धीरे धीरे इंग्लिश पर कमांड बनाना शुरू करिए, बाकी किसी चीज़ से मत डरिए। आपकी हिंदी अच्छी है, ये अच्छी भाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और इंग्लिश भी पढ़ें हिंदी भी पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश भी एक इंग्लिश को पढ़ना भी ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, कोई इसे माने या ना माने लेकिन इंग्लिश भी ज़रूरी है। और सही बात है जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आप सीखें ठीक है। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी।